तो फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस की तरफ से एक न्यू अपडेट आ रहा है जो कि जानना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि कंपनी के मंथली और ईयरली टर्नओवर के हिसाब से आप सभी को बोनस अमाउंट प्रोवाइड किया जाता था। होता क्या था कि कंपनी के मंथली टर्नओवर के हिसाब से हर एक महीना अलग अलग पॉइंट वैल्यू आता है और उस पॉइंट वैल्यू के हिसाब से एक फिक्स बोनस अमाउंट प्रदान की जाती है। चलिए आइए समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, किसी मंथ एक पॉइंट की वैल्यू 2000 रुपया होता है और दो पॉइंट का वैल्यू 4000 रुपया होता है और तीन पॉइंट का वैल्यू 6000 रुपया होता है। तो इस तरह से ओपनर से डायमंड तक की सभी एसोसिएट बैर्स को बोनस अमाउंट दिया जाता था। बट फ्रेंड्स, इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है, परिवर्तन किया गया है। चलिए आइए समझते हैं। मासिक व वार्षिक बैटल रॉयल्टी और टेक्निकल ग्रोथ बोनस में परिवर्तन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ये 6 पॉइंट्स को। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट यहाँ पे यह कह रहा है कि अगर आप फरवरी मंथ में 11 पॉइंट यानी स्टार गोल्ड का पिन है और किसी कारण मार्च मंथ में 12 पॉइंट यानी प्लेटिनियम का पिन अचीव नहीं कर पाते हैं या फिर उससे ज़्यादा पिन अचीव नहीं कर पाते हैं तो भी आपको 10 पॉइंट यानी गोल्ड पिन का बोनस अमाउंट प्रदान की जाएगी। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। अगर इस मंथ आपका रनर पिन है और किसी कारणवश अगला मंथ यानी मार्च में विनर पिन अचीव नहीं कर पाते हैं या फिर उससे ज़्यादा पिन अचीव नहीं कर पाते हैं तब भी आपको ईगल यानी 2 पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए इसे और भी विस्तार तरीका समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट, उपरोक्त सभी मासिक ग्रोथ बोनस में आप किसी महीने अधिकतम प्राप्त लेवल से एक लेवल तक कम हो जाने पर भी मासिक व वार्षिक ग्रोथ बोनस के लिए पात्रता बनी रहेगी व तालिका के अनुसार पॉइंट अर्जित होंगे। उदाहरण के लिए, किसी एसोसिएट बैर्स ने जनवरी में अब तक उच्चतम स्टार गोल्ड लेवल हासिल किया जिसके अनुसार मासिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस के लिए 11 पॉइंट हासिल किए। किसी कारणवश फरवरी में उसका लेवल गोल्ड रह जाता है, यहाँ पे ध्यान समझना है, किसी कारणवश फरवरी में उसका लेवल गोल्ड ही रह जाता है तो फरवरी माह में पॉइंट तालिका के अनुसार 10 पॉइंट हासिल हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी आपको पिछला वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार एक बार पर्ल हासिल करने से पश्चात पूर्ण स्टार प्लेटिनियम रह जाने पर स्टार प्लेटिनियम के पॉइंट गिने जाएंगे वह एक बार गोल्ड लेवल हासिल करने से पश्चात स्टार लेवल रह जाने पर स्टार लेवल के पॉइंट गिने जाएंगे। सेकंड पॉइंट, पात्रता केवल एक लेवल कम होने पर ही रहेगी। यानी फ्रेंड्स, यहाँ से प्लेटिनियम से स्टार गोल्ड हो जाता है और स्टार गोल्ड से भी गोल्ड हो जाता है तो आपको यहाँ पे पात्रता नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पे आपको ध्यान समझना है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अगर पिन प्लेटिनियम है और प्लेटिनियम से भी घट के स्टार गोल्ड हो जाता है और स्टार गोल्ड से भी घट के गोल्ड हो जाता है तो आपको यहाँ पे पात्रता नहीं मिल पाएगी। यानी यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। एक से ज़्यादा लेवल कम हो जाने पर पात्रता नहीं रहेगी। पुनः उच्चतम अर्जित लेवल या उससे एक लेवल कम अर्जित होने पर पात्रता पुनः हासिल हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट, वार्षिक ग्रोथ बोनस के लिए इसी रूप से अर्जित पॉइंट को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हो गया चौथा पॉइंट, मासिक बैटल ग्रोथ बोनस ओपनर लेवल से शुरू है वे इससे नीचे लेवल पर कोई पॉइंट अर्जित नहीं होंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट हो गया पांचवा पॉइंट, इसको आपको ध्यान समझना है, मासिक बैटल ग्रोथ बोनस की पात्रता के लिए बी लेग के बिजनेस वॉल्यूम के ग्रोथ वाली शर्त फरवरी 2024 से नहीं रहेगी। और यहाँ पे लास्ट हो गया छठा पॉइंट, उपरोक्त परिवर्तन फरवरी 2024 की बोनस की गणना से प्रभावी होंगे। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी मंथ यानी फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 6 पॉइंट्स था। तो फ्रेंड्स, आपको ये परिवर्तन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आरसीएम बिजनेस जुड़ी न्यू अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ और फिर लेंगे नोट के साथ। तब तक देर से दोस्तों।